हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट होस्टलर शुड कैरी इन देयर बैग्स बिफोर कमिंग टू द हॉस्टल एट क्वांटम यूनिवर्सिटी। मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि हॉस्टलर्स को अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ। मैंने सोचा था कि हॉस्टल जाकर मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हॉस्टल में एंट्री नहीं मिल पाई बिकॉज आई एम नॉट अ हॉस्टलर। सो या मैं अपनी क्लासमेट से कुछ वीडियोज वगैरह बनवा लिया, तो लास्ट में आपको छोटा सा टूर दूंगी वीडियो के, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो फिलहाल चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दैट क्या चीज़ लेकर जानी चाहिए। मैं आपको अपने साथ अपनी बेडशीट, पिलो, कर्टेंस, इन सब चीज़ों की बहुत नीड पड़ती है। एंड या फॉर गर्ल्स, अपने स्किन केयर अपने साथ ज़रूर रखिएगा बिकॉज बाहर जाकर वहाँ का पानी सूखा ही रहा है, तो स्किन केयर सब लोग अपने साथ रखते हैं, तो अपने साथ वो रखिएगा। बाकी दूसरी चीज़ अपना सोप, शैम्पू, कंडीशनर एंड या वॉशिंग पाउडर, बॉयज़ के लिए भी ये चीज़ है, मस्ट है। बाकी बकेट, मग, ये सब चीज़ें अपने साथ रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, हॉस्टल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है, लाइक इंडक्शन, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक कैटल एंड ऑल, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। खाना आपको मेस में ही अवेलेबल होता है, तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाकी आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज में कैफेटेरिया है, यू कैन गो देयर एंड बाय इट फ्रॉम देयर, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी आपको चाहिए। बाकी हॉस्टलर्स को विदाउट परमिशन कॉलेज के बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो आपको अंदर से ही लेना पड़ेगा, बाहर जाकर नहीं ले सकते हैं। और एक और मेन चीज़ ये है कि आपको कॉलेज ड्रेस मिलने के लिए कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक आपको कैजुअल्स ही पहनने पड़ेंगे, तो अपने साथ बहुत सारे कैजुअल कपड़े रख लेना, तो उनकी तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेज में इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो होते रहते हैं, तो अपने साथ कुछ एथनिक, कुछ ट्रेडिशनली सब चीज़ें भी, लाइक अभी नवरात्र आने वाले हैं, तो पिछली बार हॉस्टलर्स के लिए जागरण ऑर्गेनाइज करवाया था एंड गरबा नाइट एंड ऑल, तो आप उसके लिए गरबा ड्रेस, कुछ ट्रेडिशनल जागरण पहनने के लिए वो सब चीज़ें रख सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स, आप लोग ट्रेडिशनल के साथ एक तो ज़रूर रखिएगा, उनकी नीड पड़ती है, बाद में अरेंज करने में बहुत इशू देखने पड़ते हैं गर्ल्स को, तो इसलिए दिस इज़ मस्ट। एंड या आप लोग कैटल अपने साथ लेकर जा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी इलेक्ट्रॉनिक कैटल, सिंपल कैटल अपने साथ आप रख सकते हैं। एंड या आप लोग अपने साथ मॉस्किटो किलर, ये सब चीज़ें भी ज़रूर रखिएगा, इनकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। हॉस्टल काफ़ी अच्छा है अंदर से, गर्ल्स हॉस्टल ही, बॉयज़ हॉस्टल भी। गर्ल्स हॉस्टल तो खैर मैंने खुद देखा बिकॉज मैंने वहाँ विजिट किया है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, तो हॉस्टल बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वॉशरूम बहुत अच्छे हैं हॉस्टल के। एंड या अगर आप लोग सर्दियों से पहले घर वापस नहीं जाने वाले, तो सर्दियों के लिए भी अपने कपड़े जो होते हैं एंड अपना ब्लैंकेट वगैरह जो है सब अपने साथ पहले से रखिएगा। बाकी अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन लाइक आधार कार्ड एंड अपना ATM वगैरह जो भी आप यूज़ करते होंगे, वो सब आपके, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी अब फिलहाल इन्फॉर्मेशन इतनी थी, बाकी अभी हम ले लेते हैं हॉस्टल का छोटा सा टूर जो कि बहुत ही प्यारा सा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए करते हैं शुरू। ये हमारी प्यारी आंटी, आंटी नमस्ते, ये हमारा ध्यान रखती हैं, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, सारे फ्लोर्स ऐसे ही हैं। ये है लप्पड़ लोग, ए ब्लॉक, आ जाओ, ये बैडमिंटन कोर्ट, लिफ्ट जो इस जन्म में नहीं मिलेगी, यहाँ भी बैडमिंटन कोर्ट है, ये है बी ब्लॉक, बी ब्लॉक ऐसा सेम घर भी है, दिखा दो तो नहीं, ये वाटर कूलर जो कि हाँ, जो कि ग्राउंड फ्लोर का थर्ड फ्लोर पे, जिसमें बहुत ही प्योरिफाइड पानी आता है, ये है सी ब्लॉक, ऊपर जाने का रास्ता, ऐसे ही हमारे सारे फ्लोर्स हैं। ये हॉस्टल से पीछे का नज़ारा, ये है गर्ल्स हॉस्टल, हमारे प्यारे वॉशरूम्स आपको दिखाते हैं। ये हमारे वॉशरूम्स, बाथरूम्स एंड वॉशरूम्स,
बाथरूम्स जो कि प्रॉपर मेंटेन है बट चार एंड पूरा साफ है। यह हमारा रूम, ये हमारी रूममेट जो पूजा करती है अच्छी प्लेसमेंट के लिए। ये हमारा रूम टू ए वार्डरोब अच्छी है। हाँ कर्टेंस ले आना प्लीज़ अपने यार। ये दूसरा, और हो सके तो ऐसे बैग्स लेके आना कपड़े रखने के लिए क्योंकि वो अच्छे होते हैं, स्पेस अच्छा आता है। और तो बस इतना ही लाना है ये ड्रॉर। सो गाइज आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्या हेल्प हुई और आप किस तरह की और वीडियोज चाहते हैं जो मैं बनाऊँ। आई विल मेक इट श्योरली। ये वाली वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी, बट चाहते हैं कुछ और कंटेंट तो यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक दैट वीडियो। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा।